हम सभी जानते हैं कि भारतीय रेलवे की ट्रेनों में बोगी की चेन खींचने पर ट्रेन रुक जाती है, लेकिन कम ही लोग चेन पुलिंग के नियमों के बारे में जानते हैं। आपको बता दें, कोई भी यात्री बिना किसी कारण के या मस्ती मजाक में चेन खींचता है तो उस यात्री पर जुर्माना लगाया जाता है, साथ ही उसकी जेल में जाने की संभावना भी बढ़ जाती है। अगर आप रेगुलर ट्रेन में आते जाते रहते हैं तो आपको चेन पुलिंग के नियमों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि सफर के दौरान जाने अनजाने में भी चेन पुलिंग के नियमों को ना तोड़ सकें। आइए आपको इस बारे में बताते हैं। भारतीय रेलवे के नियमों के अनुसार कोई भी यात्री मेडिकल इमरजेंसी, ट्रेन में आग लगने की स्थिति में, ट्रेन में डकैती, नक्सली क्षेत्रों में लूटपाट आदि के मामलों में चेन खींच सकता है, जिसे अपराध नहीं माना गया है। वहीं अगर कोई साथी, बच्चा, बुजुर्ग या विकलांग व्यक्ति छूट जाए, उस स्थिति में भी चेन खींचने की अनुमति दी गई है। भारतीय रेलवे अधिनियम की धारा 141 के अनुसार बिना वजह चेन खींचना अवैध माना गया है। यदि चलती ट्रेन में सफर करने वाला कोई यात्री बिना किसी उचित और पर्याप्त कारण के चेन खींचता है तो उसे जेल जाने की सजा सुनाई जा सकती है, जो कम से कम 1 साल की हो सकती है। इसी के साथ जुर्माना जो 1,000 रुपए तक का हो सकता है। किसी किसी केस में यात्री को जेल और जुर्माना दोनों लगाया जाता है। ट्रेन में चेन खींचने का उपयोग केवल इमरजेंसी के समय करने की अनुमति दी गई है। ऐसे में पहले भारतीय रेलवे ने डिब्बों के दोनों ओर एक अलार्म चेन लगाई थी। आज भारतीय रेलवे ने चेन की संख्या कम कर दी है, क्योंकि इस सुविधा का दुरुपयोग बढ़ रहा था। अब प्रत्येक कोच में केवल एक ही चेन है, जो प्रत्येक कोच के मध्य में स्थित है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चेन पुलिंग के बाद आरपीएफ अधिकारी ठीक उसी कोच में कैसे घुस जाता है जहां पर चेन पुलिंग हुई हो? यह ट्रेन की साइड की दीवारों पर लगे इमरजेंसी फ्लैशर का जादू है। यह फ्लैशर उस कोच में चालू हो जाते हैं जहां से चेन खींची गई थी, और एक लाइट चमकने लगती है, जिसके माध्यम से आरपीएफ कर्मी आसानी से कोच का पता लगा सकते हैं। चेन के मैनुअल सेटअप के बाद ट्रेन प्रस्थान करने और अपनी गति से चलने के लिए तैयार हो जाती है। यहां आपको बता दें कि पहली बार गलती से चेन खींचने पर 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। दूसरी बार बिना वजह चेन खींचने के अपराध के लिए दोषी ठहराए जाने पर 3 महीने की कैद होगी और जुर्माना 500 रुपए लगेगा। इसलिए चेन खींचने से पहले आपको फाइन या कानूनी नियमों के बारे में पता होना चाहिए, ताकि भविष्य में आप किसी भी तरह की परेशानी में ना पड़ सकें।